सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम, आदाब, नमस्कार, वेलकम और गुड मॉर्निंग। सारे लोग गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस बार ऑनलाइन क्लास के लिए फिर से हमारे एक स्टूडेंट को हमने बुलाया है और वो और कोई नहीं, हम उसका जल्दी से परिचय देते हैं। उसका नाम है पूजा कुमारी, शी इज रीडिंग इन क्लास 10। सॉरी, उसने अभी क्लास 10 का एग्जामिनेशन दिया है और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है और उसने फिर से इच्छा जाहिर की कि हम सर फिर से क्लास लेंगे और उसने अपने आप को प्रमोट किया। एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा रखते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। ये एक दुखदायी बात है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। हम आपको ये मौका देंगे कि आप क्लास आकर के लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन तकलीफ तब होती है जब बच्चे अपने आप को छिपा लेते हैं, बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तब तकलीफ होती है। और पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि अगर आपके बच्चे हैं जो सीनियर बच्चे हैं, उनको आप क्लास लेने के लिए स्कूल में भेजिए। अगर बच्चा यहाँ पर परफॉर्म अच्छा करेगा तो आपका बच्चा आगे जाएगा। लेकिन तकलीफ तब होती है जब बच्चे और पेरेंट्स दोनों अपने आप को छिपा लेते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दानी पब्लिक स्कूल ने तैयार किया है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप खुद सपोर्ट नहीं कीजिएगा अपने बच्चों को तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला या पास किया हुआ सारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होती है। तो बच्चे को तो आपको आगे बढ़ाना है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि जितने बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम जरूर आगे बढ़ाएं और जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को छिपाइए मत। अगर आप छिपाइएगा अपने बच्चों को तो आपके बच्चे बिल्कुल बैकफुट पर रहेंगे, बल्कि विकेट के पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ के छक्का ही मारेंगे, वैसे बच्चे कभी पीछे नहीं रहते हैं। इसी में से एक बच्चे का नाम है जिसका नाम पूजा है, वो फिर से दूसरी बार हमारे स्कूल में अपने स्कूल में क्लास लेने के लिए आई है। तो बहुत हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान से ये गुजारिश करते हैं कि ये बच्चे हमेशा आगे जाए, कभी किसी के पीछे नहीं रहे। पूजा, तुम्हारा बहुत वेलकम है। थोड़ा सा लंबा समय लिया क्योंकि बोलना जरूरी था, क्योंकि कुछ बच्चे अपने आप को छिपाते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इतनी बात कहा। दूसरी बार तुम क्लास लेने आई हो, आज तुमको क्या क्लास लेना है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं क्लास 8 का फिजिक्स से प्रेशर चैप्टर लेने वाली हूं। और चलो ठीक है, तुम अच्छे से क्लास को अच्छे से पढ़ाओ। पहला क्लास तुम्हारा बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, बहुत अप्रिशिएट किया उस क्लास का तुमको। तो तुम इस बार भी अच्छा क्लास होगी। बहुत शुभकामना तुमको है और बहुत आगे तुम बढ़ो और बहुत अच्छा करो, यही हम लोग भगवान से तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए तुमको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तुम्हारा क्लास हो। थैंक यू सर। तो आज मैं बताने वाली हूँ प्रेशर को जानने से पहले थोड़ा सा नॉलेज हम लोग फोर्स के बारे में लेते हैं। फोर्स क्या है? जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को पुश या पुल करते हैं वो फोर्स कहलाता है। हम लोग उस पर अपना ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड को अगर मैं ऐसे पुश करूँगी तो मैं फोर्स लगा रही हूँ। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन अ एरिया, पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का डेफिनेशन है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड फोर्स। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। अब जब भी हम लोग फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम लोग एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो एरिया कम होगा, क्योंकि प्रेशर एरिया प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लेडीज़ का जो हील्स आता है, पेंसिल हील जिसको बोलते हैं, को पता होगा उसका एरिया बहुत ही कम होता है नीचे में, तो उसको वेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो लेडीज़ वो हील्स पहनती है, पेंसिल हील, उनको पेन ज़्यादा होता है क्योंकि एरिया कम होता है, पूरे बॉडी का वेट उस छोटे से हील्स पर आता है। प्रेशर उतना प्रेशर ले पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पैर में पेन होने लगता है। लेकिन हम लोग फ्लैट चप्पल पहनते हैं या फ्लैट हील्स पहनते हैं तो हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए वेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर उतना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग फ्लैट हील्स ज़्यादा टाइम के लिए वेयर कर सकते हैं और फ्लैट हील्स पहनने से पैर में पेन भी नहीं होगा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है, हमारा प्रेशर कम पड़ता है। अगर ऐसे भी प्रेशर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पर जो कूली वगैरह होते हैं, वो हमारा लगेज डायरेक्टली अपने सर पे नहीं रखते, बीच में कांटेक्ट बनाने के लिए कपड़े का कुछ गोल सा बनाकर रखा जाता है, उसके बाद लगेज रखा जाता है। तो
अपने सर पे वो कपड़ा बांधकर या सर का एरिया बढ़ाता है ताकि उनका उन पे जो हमारे लगेज का प्रेशर है वो कम पड़े और उनको ज़्यादा भारी भी ना लगे और इजीली सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। तो प्रेशर क्या है समझ में आ गया होगा। प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स बाय एरिया और फोर्स का ऐसा ही होता है न्यूटन जो कि एम से उन्हें डिनोट किया जाता है और एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो प्रेशर का ये ऐसा यूनिट हो सकता था एम पर मीटर स्क्वायर लेकिन इसका स्पेशल ऐसा यूनिट है पास्कल जिसको हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी आपको पता चल गया फोर्स बाय एरिया। तो एक सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है इफ अ फोर्स ऑफ टू एंड इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ टू सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट द प्रेशर। तो क्या क्या अपना गिवन है पहले गिवन लिखते हैं। फोर्स दिया हुआ है 2N और एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है एरिया तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले एरिया इज इक्वल टू 2 बाय 3 एफ स्क्वायर है ना इसीलिए 4 जीरो लगा। नीचे 4 जीरो है ऊपर जाके 4 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा तो ये हो गया 0.002 मीटर स्क्वायर एरिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या था फोर्स बाय एरिया। मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है मैनेज कर लीजिएगा। फोर्स कितना है 2N और एरिया है 0.0002 मीटर स्क्वायर। अब 4 डिजिट के आगे पॉइंट है तो ऊपर जाएगा 4 जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 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
प्रेशर इज इक्वल टू 10,000 पीए। ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फोर्स निकालना हो या फिर एरिया निकालना हो या प्रेशर निकालना, तो ये फॉर्मूला डाल के हम लोग निकाल सकते हैं। सैंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये क्वेश्चन आता हुआ। ऑब्वियसली लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एक्टिविटी देखते हैं, वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है यानी ये चेक करने के लिए। ये एक फिगर है और इसमें दो आदमी हैं, ए और बी। जैसे कि पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जितना भी थिंग, जितना भी चीज होता है वो जमीन के साइड अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है वहां पे। तो ये जितना भी वाटर है ये प्रेशर नीचे की ओर देगा, हमेशा नीचे की ओर देगा। तो जो बी है इसके ऊपर इतना पानी का प्रेशर पड़ रहा है और ए पे केवल एक लेयर है वाटर का, तो सबसे ज्यादा प्रेशर बी के पास आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी, जितना भी हम लोग नीचे जाएंगे सी लेवल पे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर होगा कि गहराई में प्रेशर ज्यादा होता है या नहीं। एक बॉटल लेते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये एक बॉटल है, इसमें हम लोग चार होल करते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे किए हुए हैं। तो सबसे नीचे वाला जो होल होगा इससे वाटर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये यहाँ तक, ये यहाँ पे, और ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे में प्रेशर बहुत ज्यादा है और जितना पानी नीचे जितनी तेजी से आ रहा वो उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि सी लेवल में जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वाटर जब प्रेशर लगाता है तो क्या उसका डायरेक्शन इक्वल होते हैं? तो एक और वाटर बनाते हैं हम लोग, ये बॉटल लग नहीं रहा है।
क्या एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है? तो बिल्कुल एयर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसका एग्जांपल हम लोग जब छोटे होते हैं या फिर बड़े होने के बाद भी हम लोग बलून फुलाते हैं हमेशा। कभी भी जब हम लोग बलून फुलाते हैं तो क्या करते हैं, अपने बॉडी से प्रेशर फोर्स लगाते हैं, हवा निकालते हैं और बलून को फुलाते हैं। और क्योंकि हम उसमें इतना प्रेशर देते हैं तब जाके वो बलून एक्सपैंड होता है, फूलता है। और इसका मतलब ये है कि एयर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। और अगर हम लोग उसी जगह पे बलून पे दो चार छेद कर दें तो क्या बलून फूल पाएगा? उस पर कितना भी हम लोग प्रेशर डालें वो फूलेगा ही नहीं। हम लोग जितना प्रेशर से हवा उसके अंदर भरेंगे उतना ही प्रेशर से वो निकलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एयर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। और आगे